हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नो मोर हंग्री में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कोरियन स्टाइल मिक्स वेजिटेबल एग कटलेट। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्स वेजिटेबल एग कटलेट बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें जाएगा रफली चॉप्ड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, ग्रेटेड पोटैटो यानी कि कद्दूकस किया हुआ आलू। यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज का आलू लिया था जिसे मैंने कद्दूकस कर दिया है। अब इसमें जाएगा 1 फाइन चॉप्ड टमाटो यानी कि टमाटर। अब इसमें जाएगा 1 फाइन चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज, 2 से 3 ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कोरिएंडर लीफ यानी कि हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हुए हैं। अब हम इसे भी तोड़कर ऐसे ही हमें तोड़ के इसके अंदर डाल लेना है। फिर हम इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। मिक्सर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। हमने गैस को कर लिया है ऑन। मैंने यहाँ पे एक पैन रख लिया है। अब हम इस पर ऑयल ग्रीस करेंगे। हमने जो यहाँ पे मिक्सचर रेडी किया था अब हम इस पर पैन में डालेंगे इसे। इसे अच्छे से फैला देंगे पूरे पैन में। बिल्कुल इस तरीके से हमें फैला लेना है। अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब हम इसे कट करके इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इस पर डालेंगे चीज़ स्लाइस। इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए यानी कि फ्राई हो जाए। हम इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। फुल रेडी हो चुका है हमारा मिक्स वेजिटेबल एक। अब हम इसे गैस को कर देंगे ऑफ। अब हम इसे केयरफुली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है। तो रेडी है हमारा मिक्स वेजिटेबल चीज़ी एग की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।